Hauser make vertical jig boring machine in excellent working condition. This is a made in Switzerland high precision vertical type double column jig borer suitable for boring of high precision bores. The condition of the table is very good. The spindle RPM is currently at 420 RPM and as we can hear there is no noise at all in the machine. The condition of these lights is very good. There are no scratches whatsoever on it. The machine is equipped with a 3-axis DRO. 2-axis ka DRO is machine mein yahan laga hai table ke longitudinal travel and boring head ke cross travel par. Another DRO for the vertical travel of the whole cross rail is equipped here. ये मिटू टोया का डी आर ओ लगा हुआ है. द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स कूलेंट टैंक एंड कूलेंट पंप. द कंडीशन ऑफ ऑल दिस लाइट्स ऑफ दिस मशीन इज वेरी गुड. हाउजर मेक मशीन्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन जिग बोरिंग मशीन्स. मोटराइज्ड ट्रैवल्स. सबसे पहले जो टेबल है उसका लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल चला दो. टेबल पीछे ले जाओ. मोटराइज्ड ट्रैवल ऑफ द टेबल. अभी हमने टेबल का पीछे की तरफ ट्रैवल को इंगेज कर दिया है. द चेंज इन द डीआरओ रीडिंग कैन बी सीन. ठीक है रोक दो आगे ले आओ. अभी हम टेबल को आगे की तरफ लेके आ रहे हैं मोटर से. ठीक है क्रॉस ट्रैवल चलाओ बोरिंग हेड का. हैंडल से फ्री करना होगा पहले. क्रॉस ट्रैवल. ठीक है अभी पूरा बोरिंग हेड राइट लेके आ रहे हैं. लेफ्ट ले जाओ. अभी लेफ्ट लेके जा रहे हैं. द चेंज इन द डीआरओ रीडिंग कैन बी सीन. डायरेक्शन चेंज. ठीक है सो इस मशीन में बोरिंग हेड के क्रॉस ट्रैवल पे भी रैपिड मोटराइज ट्रैवल्स है एंड लॉन्गिट्यूडनल पे भी. सो इस मशीन में सेटिंग बहुत इजीली हो जाती है. वर्टिकल ट्रैवल दिखाओ पूरे क्रॉस रेल का. वर्टिकल ट्रैवल. अभी ये पूरा ऊपर जा रहा है. नीचे अभी नीचे लेके आ रहे हैं. द चेंज इन द डीआरओ रीडिंग कैन बी सीन. डाउनवर्ड रैपिड ट्रैवल. ठीक है ऊपर. अभी जो पूरा क्रॉस रेल है उसे ऊपर लेके जा रहे हैं. ठीक है अभी इनके मैनुअल ट्रैवल्स दिखा दो. इसको पूरे हेड को लेफ्ट हेड दिखाओ पहले तो मैनुअली. दूसरी तरफ फिर से इस तरफ. ठीक है इसमें जो माइक्रोफीड है वो दिखाओ. ये अभी माइक्रोफीड ट्रैवल चला रहे हैं. अभी हम बहुत प्रिसाइजली इसकी पोजीशन कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है अभी आगे भी चला के दिखाओ मैनुअली पहले तेज. ठीक है अभी टेबल पीछे लेके जा रहे हैं. टेबल आगे माइक्रो. अभी हम माइक्रो में चला रहे हैं. द चेंज इन द डीआरओ कैन बी सीन. बहुत प्रिसाइसली हम टेबल की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है वर्टिकली अभी जैसे हम मोटर से चला रहे थे पूरा क्रॉस रेल इसको मैनुअली चलाना होता हो वर्टिकल को भी अगर प्रिसाइसली सेट करना हो तो इसको भी मैनुअली चला सकते हैं. ट्रैवल के लिए तो स्पिंडल का ट्रैवल होता है बोरिंग करने के लिए. ये तो सिर्फ पोजीशनिंग के लिए है. जहाँ भी सेट करके फिर इसकी लॉक कर सकते हैं. लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ लॉक दिया हुआ है क्रॉस रेल को लॉक करने के लिए बोरिंग से पहले.
डाउनवर्ड ट्रैवल ऑफ द स्पिंडल, जो इसमें स्पिंडल का फीड ट्रैवल है ऑटोमेटिक उसको एंगेज कर दो। स्पिंडल फीड ट्रैवल, वी हैव राइट नाउ एंगेज द फीड ट्रैवल ऑफ द स्पिंडल। द वेरी स्लो डाउनवर्ड फीड ट्रैवल कैन बी सीन। स्पिंडल अभी फीड में नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। जो ये फीड का रेट है इसको तेज करो, ये अभी 0.08 कर दिया, 0.08 mm पर रेवोल्यूशन, और तेज। स्पिंडल के फीड का रेट अभी और तेज कर दिया, अभी 0.13 हो गया, 0.13 mm पर रेवोल्यूशन। जो ये स्पिंडल अभी फीड में नीचे की तरफ आ रहा है, अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी हो, जो फीड नीचे आ रहा है फीड ऊपर, वी हैव राइट नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल ट्रैवल। द स्पिंडल विच वॉज अर्लियर कमिंग डाउन इज नाउ गोइंग अप इन फीड। ठीक है, ये स्पिंडल का फीड ट्रैवल से हटा दो, उधर ऊपर जीरो कर दो, ठीक है। अब इसका मैनुअली ट्रैवल दिखाओ, पहले स्पिंडल का ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ ऊपर, ठीक है। अब जो इसके ये बाहर वाले हैंडल से चलाना हो तो इसको चला के दिखाओ, पहले थोड़ा नीचे ले आओ, पहले नीचे ले आओ, ठीक है। अगर हमें मैनुअली बोर करना हो तो हम प्रिसाइसली इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ऐसे मैनुअली भी स्पिंडल को चला के बोर कर सकते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। और अगर सेटिंग करने के लिए तेज चलाना हो तो हाँ चलाओ, ठीक है। ये सेटिंग करने के लिए, तेज चलाने के लिए नीचे ले आओ, ठीक है ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रैवल ऑफ द स्पिंडल। डिफरेंट स्पिंडल स्पीड्स, राइट नाउ द स्पिंडल इज एट इट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 50 rpm, 50 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है। तेज दिखाओ, 115 दिखा दो, 115, करंट स्पिंडल स्पीड 115 rpm, 115 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है। 300 के आसपास, 270, 300 कुछ भी दिखा दो, 275 दिखा दो, इसमें जो गियर बॉक्स है वो इधर दिया हुआ है, चेंज कर दो, कितना हो गया, करंट स्पिंडल स्पीड 275 rpm, 275 रोटेशंस पर मिनट, और तेज, कोई 700-800 के आसपास, 640 दिखा दो, करंट स्पिंडल स्पीड 640 rpm, 640 रोटेशंस पर मिनट, देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द गियर बॉक्स और इन द स्पिंडल। अभी जो भी मैक्सिमम rpm है वो दिखा दो, मैक्सिमम rpm इज 1500, अभी हम उसका यहाँ पे गियर चेंज करके इसकी मैक्सिमम स्पीड दिखाएंगे, 3-4, ठीक है चलो कर दो ऑन। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड 1500 rpm, 1500 रोटेशंस पर मिनट। द कंडीशन ऑफ दिस मशीन इज वेरी गुड। इट इज अ हाउजर मेक, मेड इन स्विट्जरलैंड जिग बोरिंग मशीन, equipped with a 3-axis DRO, 1 tool and tool tie rod. It is a double column type high precision machine. The condition of this machine is excellent and all the features are working perfectly fine.